हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड जॉब अपडेट्स की शुरुआत कर रहे हैं। मीन्स अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। जो कॉमन जॉब अपडेट्स रहेंगे वो मल्टीपल ऑफ कैंपस ड्राइव में रहेंगे। अगर ज़्यादा जॉब अपडेट्स आते हैं तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये हमारे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट जॉब अपडेट। आज की इस वीडियो में दो जॉब अपडेट्स के बारे में बताऊंगा जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट्स के लिए हैं। इसी के साथ ये एक फ्रेशर्स जॉब अपडेट भी है और ग्रेजुएट्स जॉब अपडेट भी है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हमारे चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली जॉब अपडेट फ्रेशर्स वीडियो आप सभी को मैं बताता हूँ। इसी के साथ साथ ये जो जॉब अपडेट्स रहते हैं ये ऑथेंटिकेट लिंक रहती है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो जॉब अपडेट पोस्ट होते हैं वो बिल्कुल बेस्ट इन इंडस्ट्री रहते हैं, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जॉब अपडेट की बात करेंगे तो फर्स्ट जॉब अपडेट है मेथड इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। मेथड इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी की पोजीशन है, 3 डेज पहले पोस्ट हुआ है, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशंस क्या मांगी है। अगर आपने BEME बैचलर्स मास्टर्स डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विथ 65% एग्रीगेट इन हाइएस्ट क्वालिफिकेशन, मीन्स अगर ग्रेजुएशन में आपकी 65% होना चाहिए तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन है, फ्रेशर्स जॉब अपडेट है। BEME इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांगा है उन्होंने। 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस चलेगा। प्राइमरी स्किल्स आपको बताऊं तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको टूल्स, इम्यूलेटर्स, डीबगर्स और सिम्युलेटर्स का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर, आपकी वर्बल और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स टीम के साथ मिलकर यहाँ पे अंदर काम करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई पे जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अप्लाई पे आप जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपना रेज्यूम अपलोड करना पड़ता है। रेज्यूम अपलोड करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे कि नेम, कंट्री, फिर उसके बाद आपको अपना एड्रेस, फोन नंबर डालना है, और आपने कभी प्रीवियसली आप वर्कड करा है मेथड के साथ तो आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रेंडम नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसमें फटाफट से अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हमने, अगर आपने प्रीवियसली मार्क करा है मेथड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आ गया कि किस टाइप से आपका ये वर्क एक्सपीरियंस है। फिर एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे कि आप इस कंट्री में वर्क करने के लिए एलिजिबल है नहीं। फिर आप सबमिट कर देंगे तो आपको मेल आ जाएगा कि आपने सबमिट कर दिया है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे प्रोसेस को सबमिट करना है। सेकेंड जॉब अपडेट की बात करें तो मैक्सिम इंटीग्रेटेड की तरफ से है। अब मैं आपको बता दूं, गांधीनगर इंडिया लोकेशन है। यहाँ पे जो लोकेशन थी वो बेंगलोर है और यहाँ पे इंडिया गांधीनगर है। 5 डेज पहले पोस्ट हुआ है, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस और डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो अगर आपने बीई बीटेक एमई एमटेक करा है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में और आपका 70% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए मिनिमम रेपुटेड इंस्टीट्यूट से, तो अगर आपको 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री ही उन्होंने मांगी है और यहाँ पे उन्होंने जॉब से रिलेटेड चीज़ें बता रखी है कि आपको क्या क्या किसके बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, किन किन टूल्स पे आपको वर्क आना चाहिए, तो आप यहाँ पे पूरा अच्छे से देख सकते हैं। ये एक फ्रेशर्स और ग्रेजुएट्स जॉब अपडेट है, अप्लाई पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स जॉब अपडेट लेके आऊँ। इसी के साथ जो क्राइटेरिया बेस्ड जॉब्स रहेंगे वो हम कम देखेंगे चैनल पे, मींस क्राइटेरिया जहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है उससे भी रिलेटेड जॉब देखेंगे। आपको आने वाली वीडियोस में डिफरेंट जॉब के बारे में बताऊंगा और आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट आ रहा है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।